दोस्तों कि आप लोग YouTube पर एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और YouTube पर तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास डिजिटल स्मार्ट बोर्ड नहीं है और ना ही आपके पास डिजिटल स्मार्ट बोर्ड परचेस करने के लिए पैसा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके स्मार्टफोन से एजुकेशनल वीडियो बनाना सिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आप लोग एजुकेशनल वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर महीने के 50,000 से 1,00,000 रुपये तक कमा सकते। सिंपली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन की मदद से एजुकेशनल वीडियो बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो इस ऐप को ओपन करते ही आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा दोस्त। तो सिंपली यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ प्लस का आइकन देखने को मिलता है, यदि आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऐड पेज का ऑप्शन दिया गया है, या फिर यहाँ से आप फ़ोटो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये ऑप्शन है आप वीडियो का बैकग्राउंड पोजीशन को सेट करने के लिए। आप चाहो तो इसे जूम कर सकते हो, मैं यहाँ माउस के कर्सर से जूम कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हैंड के दोनों उंगली से जूम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ जो अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल का आइकन है दोस्तों, यहाँ से आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ रेड कलर में ये हमारा जो है कि लिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ आप चाहो तो इंक कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा ओपेसिटी दिया गया है, थिकनेस दिया गया है, और आप चाहो तो अपने जो लिखावट का थिकनेस है उसको बढ़ा भी सकते हो। अभी 20% में है तो मैं इसको जैसे 50 करके डन पे क्लिक कर दूंगा तो देखोगे कि हमारा जो लिखावट है थोड़ा मोटा हो चुका है दोस्तों। यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये इरेज़र का है, तो सिंपली यहाँ यदि यहाँ क्लिक करके इरेज करोगे तो एकदम पतला इरेज होगा, यहाँ आप लोग देख पाओगे, और इस पर क्लिक करके इरेज करोगे तो थोड़ा मोटा इरेज होगा, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यदि इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा और मोटा इरेज करेगा दोस्तों, यहाँ आप लोग देख पाओगे। इसके अलावा ये जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इससे पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद यहाँ जो अगला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आपको सिंपली आप किसी को कॉपी करना चाहते हो या फिर कट करना चाहते हो तो यहाँ से देखने को मिलता है। इस एरिया के यदि आप कट करोगे तो कट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट रिमूव मोर करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो जैसे मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ दोस्तों टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन दिया गया है। तो ओवरऑल इस ऐप में ये सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो इनकी मदद से आप एक एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, यदि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हो तो आप उस सब्जेक्ट का फ़ोटो खींच लीजिए या फिर सिंपली उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ ये जो ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप सिंपली इसके बाद यहाँ 3 लेयर पर क्लिक करोगे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा रीड फाइल, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ PDF पे क्लिक करना होगा और आपका जो फाइल मैनेजर है ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ ढूंढ लेना है कि आप कहाँ अपने PDF को रखा है, तो जैसे कि मैंने यहाँ वर्ब वाला PDF रखा है तो इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ इम्पोर्ट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार ये हमारा PDF ओपन हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग सिंपली जूम भी कर सकते हो, एकदम बेहतरीन सा ऐप है, एकदम क्लियर एकदम ठीक तरीके से वर्क करता है दोस्तों। बच्चों को पढ़ाना चाहते हो सिंपली, जैसे हम यहाँ अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ सिंपली पेंसिल पे क्लिक करके किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ आप लोग समझा सकते हो, ये देखिए। या फिर इसके अलावा पेंसिल का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ सिंपली ये चेंज कर सकते हो। इसका जो थिकनेस है, यदि आप लोग यहाँ डबल क्लिक करोगे तो यहाँ थिकनेस देखने को मिलेगा, तो मैं इसको सिंपली 14 पे करके यहाँ डन पे क्लिक कर दूंगा तो इसका थिकनेस जो है कि कम हो जाएगा। तो यदि आप लोग भी एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस ऐप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।